हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू ट्रेडिंग फैब डॉट इन। कल हमने न्यूज़ देखी थी कि यूरोप टेक्निकली ऑफिशियली कहे तो रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार सेकेंड क्वार्टर जो डेटा आया है वो निगेटिव आया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पूरे डिटेल्स। तो आज हफ्ते के लास्ट दिन निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ, 71 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। 5 मिनट का चार्ट देखें तो कल जो हमने लेवल्स मार्क किए थे, कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो जैसे कि इसने ब्रेक डाउन लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट भी अचीव हुआ। आप देख सकते हैं आज के दिन का लो एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट के लेवल के पास इसने लगाया है और क्लोज भी ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास लगाया। तो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हुए नज़र आए। अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं वो देखते हैं, लेकिन वीक खत्म हो चुका है तो एक बार वीकली चार्ट को भी एनालिसिस करते हैं, फिर डेली चार्ट देखते हैं और फिर 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। तो सबसे पहले ये है वीकली चार्ट, यानी एक कैंडल हमें एक वीक का हाई लो ओपन और क्लोज प्रेजेंट कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि लगातार ये 8-10 वीक से लगातार हाइयर हाइज बन रहे, लगातार हर वीक निफ्टी नया हाई लगा रहा था। तो अभी ये जो लाइफ टाइम जो हाई है इसके पास आके निफ्टी ने अभी ये रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अभी इस लेवल के ऊपर 18,750 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी ये काफ़ी ऊपर तक ये निफ्टी आ गया, जहाँ पर ये 16,800 का लो लगाया था उसके बाद इसने 18,700 तक निफ्टी आ चुका है। तो अभी जो लास्ट लाइफ टाइम हाई था उसी रेंज के पास, जहाँ से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था, फिर एक बार उसी जोन के पास आके ये रेड कैंडल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमने मार्क किए थे ये लेवल्स, एक एक करके इन लेवल्स को इसने ब्रेक कर दिया। ये 18,350, फिर ये 18,600 और अभी ये लेवल 18,700। तो 18,700-750 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम फिर से कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल वीकली चार्ट का ये एनालिसिस है। अगर हम यहाँ पर फिबोनाची से रिट्रेसमेंट लेवल निकालें, अगर जो रिसेशन की बात चल रही है यूरोप में चल रही है, भारत के ऊपर इसका ज़्यादा असर नहीं होगा, भारत अभी एक स्ट्रांग पोजिशन में, अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ गिरावट आती है तो इसका थोड़ा बहुत असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर गिरावट आती है तो अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकालते हैं तो हमें ये रेशोज़ जो है ये सपोर्ट के लेवल्स हैं, यहाँ पर हमें सपोर्ट निफ्टी लेता हुआ दिखाई दे सकता है 18,300 और फिर उसके बाद 18,000 का लेवल। तो ये वीकली चार्ट का एनालिसिस है। अभी डेली चार्ट को अगर देखें तो जैसे कि हमने कल यहाँ पर देखा था कि ये रेड कैंडल बना था जिसने ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया था, और आज अगर ये कल के लो के नीचे सस्टेन करे तो हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से सिग्नल के साथ हमें कंफर्मेशन मिला है। तो अभी नेक्स्ट सपोर्ट जो है ये यहाँ पर होगा 18,450 के पास, जहाँ पर ये पिंक लाइन 20 DMA का आ रहा है। आपने देखा होगा पास्ट में यहाँ पर कई बार ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है ये जो पिंक लाइन है। तो ये सपोर्ट का पहला सपोर्ट ये 18,450 के पास होगा। अगर हम RSI में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर डबल टॉप जैसा पैटर्न बना हुआ है। और कल हमने जैसे कि बात की थी कि यहाँ पर ऊपर प्राइस एक्शन में हाइयर हाइज बन रहे, लेकिन अगर RSI को देखें तो यहाँ पर लोअर हाइज बन रहे। तो ये निगेटिव डाइवर्जन है, बियरिश डाइवर्जन है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। तो ये सिग्नल है कि भाई यहाँ पर एक करेक्शन आ सकता है, डाउनफॉल आ सकता है छोटा सा। तो इन सपोर्ट लेवल पे आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बाइंग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं। मंडे के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा अराउंड 18,540, उसके नीचे फर्स्ट टारगेट बनेगा हमारा अराउंड 18,518 और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 18,495। ऊपर की तरफ अगर निफ्टी आता है तो पहला तो रेजिस्टेंस ये ब्लू लाइन का होगा, तो हमारा ब्रेकआउट लेवल जस्ट इसके नीचे अराउंड 18,585 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 18,600 और सेकेंड टारगेट होगा 18,617। तो ये निफ्टी के लेवल्स है मंडे के लिए। बैंक निफ्टी पर चलते हैं।
बैंक निफ्टी में काफी वोलेटाइल मूव देखने को मिला आज, काफी अप एंड डाउन्स निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में थे, जो कि हमने कल लेवल्स मार्क किए थे। आप देख सकते हो सपोर्ट यहाँ पर टेस्ट किया है, इसने बाउंस बैक हुआ यहाँ से, ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट इजीली अचीव हुआ। सेकेंड टारगेट के लेवल के पास काफ़ी देर पेनेट्रेट कर रहा था, ऊपर जाने की फिर से कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ आया। तो काफ़ी कहे तो उस वॉलेटाइल मूव आज बैंक निफ्टी में थी। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के टेलीग्राम चैनल को, एब्सोल्युटली फ्री है, उसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अभी 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। ये रहा 60 मिनट का चार्ट। मंडे के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल सेम होगा, 43,933 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा तो अभी 43,879 का, और सेकेंड टारगेट होगा 43,832 का, 830 कर लेते हैं। ऊपर की तरफ ये जो ग्रे लाइन आप देख पा रहे हो, ये पहला हर्डल हो सकता है, तो इसके जस्ट ऊपर 44,035 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट का भी बनेगा 44,080, और सेकेंड टारगेट होगा जहाँ पर ये दोनों मूविंग एवरेजेस क्लब हो रहे हैं, 44,124 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है मंडे के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब का एक छोटा सा इंट्रो। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है, एंजल ब्रोकिंग है। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी जो प्रीमियम मेंबरशिप है इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस बैंक निफ्टी ऑप्शंस की, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, सपोज अगर आपको जीरोधा का अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है, तो एक वेब पेज ओपन होगा, आपका नंबर यहाँ डालना है, कंटिन्यू करना है, तो आगे की अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, रेडी है, तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद हमें आपको इस नंबर पे कॉल करना है, ये इस नंबर पे, ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।